छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। असम में भूपेश बघेल को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। वो लगातार असम में डेरा डाले हुए हैं, खासकर डिब्रूगढ़ के क्षेत्र में पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस दौरान कहीं ना कहीं रोड़े भी सामने आते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब असम के सीएम सर्वानंद सोनोवाल के क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे तो उनकी सभा स्थल की बिजली काट दी गई। बावजूद इसके सीएम बघेल ने बिना बिजली के ही सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर असम के सीएम सर्वानंद सोनोवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बिजली काटकर उनकी आवाज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है तो वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शायद नहीं जान रहे। बघेल के असम दौरे से लौटने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि सीएम एक भी युवक को रोजगार नहीं दे पाए, 60,000 शिक्षकों का साथ नहीं दे पाए। आपको बता दें, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी। और जिस तरह से इन 5 राज्यों में सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हैं, खासकर के असम की यहां पर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ने यहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और इसी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी निभाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऑब्जर्वर के तौर पर यहाँ पर सभाएं करते दिखाई दे रहे हैं और लगातार कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर होती दिखाई दे रही है असम में। लेकिन जिस तरह से असम के एक क्षेत्र में जो कि असम सीएम का गढ़ माना जाता है और इस क्षेत्र में जब सभा करने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल तो उनकी सभा स्थल की बिजली काट दी गई। इस पर बात करेंगे, सीधे रुख करेंगे रायपुर न्यूज रूम का मास्टर जुड़ गए हैं नितिन चौबे, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड। नितिन, जिस तरह बात की जाए असम की चुनावी सरगर्मियों के लेकर, हालांकि सियासी पारा वहां पर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन उस सियासी पारे की जो गर्मी है, जो तपिश है, वो मध्य छत्तीसगढ़ में भी महसूस की जाने लगी और यहां पर भी लगातार सियासत देखने को मिल रही है। क्या कुछ माहौल फिलहाल बन रहा है? 20 सीटों वाली विधानसभा जो असम की है उसमें अभी वर्तमान में तो जो 2016 में इलेक्शन हुए थे उसमें 86 सीटों से भाजपा वहां पर कायम है और सर्वानंद सोनोवाल वहां के मुख्यमंत्री हैं। और जब से असम चुनाव की घोषणा हुई है तब से छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको वहां का ऑब्जर्वर बनाया गया है और छत्तीसगढ़ के कई वरिष्ठ नेताओं को वहां अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। तब से लगातार छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं का वहां दौरा जारी है, सघन जनसंपर्क जारी है। इसी दौरान जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल के क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे थे तो कल वो जब अपने असम दौरे से लौटे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात बताई कि जब मैं उस दौरे में था तो मेरे उस सभा की बिजली काट दी गई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सभा को संबोधित किया बिना माइक के। और खास करके उन्होंने कहा राहुल गांधी एक सभा में जा रहे थे, प्रोटोकॉल के हिसाब से वीआईपी प्रोटोकॉल था, लेकिन उसके बावजूद एक रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया क्योंकि वो एक रेलवे का अधिकारी वहां से पास होने वाला था। इस तरह के कई चीजों को उन्होंने तंज किया कि केंद्र किस तरह से या भाजपा किस तरह से वहां चुनावी हथकंडे अपना रही है। जी। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रात को ही असम दौरे से लौटे और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट करके, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ट्वीट था, कि असम में बहुत सारी सरकारी सीटें खाली हैं, सरकारी उम्मीदवारों के लिए जगह खाली है और सरकार अगर उनकी बनती है तो निश्चित तौर पर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि 2 साल हो गए यहाँ के 2 लाख बेरोजगार और 60,000 शिक्षकों को तो रोजगार दे नहीं पाए तो किस हिसाब से असम के नए वादों को निभाएंगे। इस ट्वीट को आए कुछ घंटे ही नहीं हुआ था कि इस पर पलटवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने छत्तीसगढ़ में जो चुनावी वादे किए थे वो पूरी तरह से निभाए हैं और वो जो असम में वादे कर रहे हैं वो वादा नहीं गारंटी है। इस तरह का एक ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। जैसा कि कमर आप जानते हैं कि 3 चरणों में जो अभी चुनाव होने हैं असम में, पहली वोटिंग 27 तारीख को 1 अप्रैल को और उसके बाद 6 अप्रैल को 3 चरणों में वोटिंग हो रही है। तो जस्ट 1 हफ्ते बाद वोटिंग हो रही है तो निश्चित तौर पर जब छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं की वहां की जिम्मेदारी दी गई है तो वो जो सरगर्मी है वो छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रही है निश्चित तौर पर असम की। जी बिल्कुल नितिन, क्योंकि लगातार सियासी पारा छत्तीसगढ़ में बढ़ता यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कहने को तो 5 राज्यों में चुनाव है
लेकिन जिस तरह का माहौल सियासी बनता दिखाई दे रहा है, उसका जो पूरा हवा जो चलती दिखाई दे रही है सियासी गलियारों से, पूरे देश में इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी एक अलग तरीके का जो सियासी घमासान मचा हुआ है। अन्य राज्यों की बात की जाए, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी और असम, असम में तो माहौल इस तरह से और भी ज्यादा गर्मा हुआ, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर मिलती दिखाई दी। और जिम्मेदारियों को लेकर बात की जाए तो इसे को लेकर भी छत्तीसगढ़ में लगातार सियासी घमासान देखने को मिला, चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर विपक्ष में बैठी बीजेपी को लेकर बात की जाए। किस तरह देखें इसको? जी निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो जिम्मेदारी दी गई उसके बाद से उनका जो लगातार तीसरा चौथा ये दौरा था, तो इस दौरे के जो डिटेल्स निकल के आई, उन्होंने सघन जनसंपर्क किया, डोर टू डोर वोटर से मिले, तो ना कि एक स्टार प्रचारक के रूप में वह सभाओं को केवल संबोधित कर रहे हैं, बल्कि ये साफ तौर पर दिखता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस टीम के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार में वापसी की थी, उसी टीम के साथ आसाम में भी डटे हुए हैं और एक कड़ी चुनौती निश्चित तौर पर भाजपा को वहां देते हुए नजर आते हैं। खास करके अगर हम बात करें संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, गृह मंत्री हो, चाहे नगरीय निकाय मंत्री हो या फिर संस्कृति मंत्री हो, सभी तरह के मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और वो समय समय पर जाके जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश और बिहार के जो जन समुदाय वहां पर है, हिंदी बेल्ट खास करके बोला जा सकता है, वहां के जो वोटर्स हैं उनको लुभाने का प्रयत्न कर रहे हैं और कांग्रेस की नीतियों से अवगत करा रहे हैं। यही खास कारण है कि जो द्वंद्व वहां चालू हो चुका है और एक हफ्ते बचा है पहले चरण की वोटिंग में, तो ये निश्चित तौर पर बोला जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर लगा चुकी है और खास करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए चैलेंज इसलिए माना जा सकता है कि वो एक जीत का पर्याय बन चुके हैं कई चुनावों में। तो निश्चित तौर पे ये देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो जिम्मेदारी दी गई है, एड़ी चोटी का पसीना कांग्रेस ने वहां पर लगा दिया है सत्ता में वापसी के लिए असम में। हाँ बिल्कुल नितिन, और जिस तरह से पर्याय बन गए हैं जीत का, काफ़ी अच्छी बात, काफ़ी अहम बात आपने कही है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो कहीं ना कहीं जो रणनीति लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई दी थी उसमें खास भूमिका जो है भूपेश बघेल की भी नजर आई थी। लेकिन जिस तरह से पांचों राज्यों में चुनाव को लेकर जो माहौल बन रहा है उसको लेकर जानकार यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से वहाँ पर जो पार्टियाँ मौजूद हैं उनके बीच में एक अलग तस्वीर तो बनती दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को लेकर कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जब छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है तो असम में क्या कुछ तस्वीर बन रही है? जी बिल्कुल, आसाम की जो तस्वीरों की बात करें, जो जानकारियां समय समय पर निकल के आ रही हैं सारे विधायकों और मंत्रियों के जो विशेष ग्रुप्स हैं उसमें जिस तरह के उनके सघन जनसंपर्क और जन समुदाय से जो वादा कर रहे हैं, वोटरों को लुभाने का प्रयास चल रहा है, वो एक दिखता है वहां पर। खाली के हम एक इवेंट की बात करेंगे, आसाम में संस्कृति मंत्री वहां पर पहुंचे थे और लोकल छत्तीसगढ़ी नृत्य नाच गान जो यहाँ के छत्तीसगढ़ी लोग वहां पर चाय बागानों में कार्यरत है मजदूर वर्ग, उनके लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। एक तरह से पूरे छत्तीसगढ़ का माहौल वहां बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये बिल्कुल बोला जा सकता है कि जिस तरह से सघन दौरे में पूरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में वहां लगी है और तमाम सरकार की ओर से प्रवक्ता रविन चौबे हो, चाहे मोहम्मद अकबर हो, जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं और जीत को लेकर जिस हिसाब से आश्वस्त है, तो असम के नतीजे कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में हल्के फुल्के जाते हुए दिख सकते हैं। हालांकि बीजेपी भी ने भी कहीं वो अपनी कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि ऑलरेडी 86 सीटों से सत्ता रूढ़ रही है वहां पर पिछले 2016 के चुनाव में, तो बीजेपी और कांग्रेस की जो असम में टक्कर है वो खास तौर पर खुल तौर के सामने दिख सकती है उनके गठबंधनों के साथ। बिल्कुल नितिन, और क्योंकि मुद्दों के बिना सियासत शायद पॉसिबल ही नहीं है और ऐसे में मुद्दों की तलाश लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष भी ढूंढते रहते हैं और ऐसे में किसान आंदोलन जो है देश का एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस इसका समर्थन लगातार करती रही और तीनों कृषि कानूनों का विरोध करती दिखाई दी। तो ऐसे में असम को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरह के मुद्दों की हवा चलती दिखाई दे रही है? देखिए असम में खासकर वहां मजदूरों से संबंधित, उनकी समस्याओं से संबंधित, चूंकि असम भी एक चाय बागाने और छोटे मोटे उद्योग, चाय के उद्योगों को लेकर चलने वाली संस्कृति है, वहां की संस्कृति और पर्यटन वहां के आय के स्रोत है, तो वहां खास करके जो सीमावर्ती राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार के लोग वहां मजदूर वर्ग काम करते हैं, उनकी जो निजी समस्याएं हैं उन वर्गों की, चाहे वो मजदूर वर्ग की हो, किसानों की हो, उसको लेकर काफी रोचक घोषणाएं और रोचक वादे किए हैं कांग्रेस ने वहां पर। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से वहां पर वहीं के मन से राहुल गांधी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय
सरकार को जिस हिसाब से चुनौती दी थी कि अगर जी छत्तीसगढ़ सेंट्रल पूल का धान की जी जो मियाद है, जो उसका माफ कीजिएगा 24 लाख मेट्रिक जी टन से 40 लाख मेट्रिक टन करने का जो वादा पूरा नहीं करती है वो कांग्रेस, तो सिंगूर बॉर्डर जैसा बना देंगे हम छत्तीसगढ़ की जी जनता वहां पर जाकर, हम सीधे जन मोर्चा खोलेंगे, तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं वहां पर भी किसानों को, वहां के मजदूर वर्ग को और मध्यम वर्ग को के लिए कई सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं की है आसाम में कांग्रेस ने, और देखना होगा कि वहां की जनता कांग्रेस के वादों पर कितना खरी उतरती है या सत्तारूढ़ भाजपा भाजपा पार्टी की ओर अपना रुख करती है। बिल्कुल नितिन, जनता के मन को भाप पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, भले ही सियासतदार वोट बैंक की बात करते दिखाई देते हो और अपने अपने घोषणा पत्र और दूसरे तरीकों से जनता को लुभाने की भली कोशिश की जाती रही हो, लेकिन असम में जिस तरह का माहौल बन रहा है उसको देखकर ये कह पाना मुश्किल है कि आखिर सत्ता आएगी तो किसके हाथ में आएगी। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से असम विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं और चुनावी माहौल लगातार गर्माता दिखाई देने लगा है, लेकिन भूपेश बघेल जिस तरह से सभाएं करते दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश यहां पर भूपेश बघेल की तरफ से लगातार की जा रही है और ऐसे में उस सियासत का असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस असर के बाद चलते क्या कुछ तस्वीर बनकर निकल कर सामने आएगी असम चुनाव को लेकर और अन्य चार राज्यों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव उसको लेकर और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ माहौल बनेगा देखने वाली बात होगी। खास खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए।